क्या मायावती का दलित वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाने वाला है? क्यों राहुल का ओबीसी कार्ड हो गया फेल? कैसे लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए के नारे की निकलेगी हवा? वाकई 2024 में लगने वाली है मोदी की हैट्रिक? क्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा करा देगा बीजेपी को 400 के पार? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के 400 पार के नारे को भुनाने के लिए आजमाई गई सबसे सटीक रणनीति और उस रणनीति से विपक्षी खेमे के टारगेटेड वोट बैंक में होने वाली सबसे बड़ी सेंधमारी की। बीजेपी के 400 पार के नारे को हकीकत साबित करने के लिए बीजेपी की मोटे तौर पर पूरी रणनीति इस बात पर एक पुख्ता बात पर टिकी है और वो पुख्ता बात यही है कि यूपी सरकार में 4 नए मंत्री शामिल हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में 4 नए मंत्री शामिल किए गए हैं जिनमें एक राजभर है जिनकी पूर्वांचल में खास बैठ है, दूसरे दारा सिंह चौहान है जो ओबीसी समुदाय में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और तीसरे हैं अनिल कुमार जो कि दलित हैं और पश्चिम यूपी में सक्रिय नजर आते हैं जहां दलित वोट बैंक में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। चौथे भी हैं और वो हैं सुनील शर्मा जो कि ब्राह्मण हैं और पश्चिम यूपी की 5 से ज्यादा उन सीटों पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं जहां ब्राह्मण वोट बैंक सियासी पिक्चर में नजर आता है। तो ऐसे में योगी के इन 4 मंत्रियों का जनाधार जाति विशेष और वर्ग विशेष पर उनकी खास पकड़ इन चारों नेताओं को ले आई है यूपी के सचिवालय तक। इसको समझेंगे लेकिन उससे पहले इस बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं जो लोकसभा चुनाव के नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करेगी। तो दरअसल बात 2024 के चुनाव और इस चुनाव में हावी होने वाले मुद्दों को लेकर जब सियासी गलियारों में मंथन का दौर चल रहा था तो खासकर उस वक्त यूपी में 4 बड़े दलों बीजेपी सपा बीएसपी और कांग्रेस के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा था। तो वहीं अब तब की तुलना में स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। अब एक तरफ विपक्षी एकता के सामूहिक मंच इंडिया के बैनर तले राहुल अखिलेश एक साथ हैं तो दूसरी तरफ मोदी के परिवार के साथ आगे बढ़ता हुआ बीजेपी का काफिला है। और मायावती की बात हो तो मायावती की सियासी स्थिति जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ अलग थलग सी या कह सकते हैं हाथी की सियासी दशा अभी अंडरडॉग जैसी जो कभी भी किसी भी दल को चौंकाने में सक्षम है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तो बाद में तय होगा और चुनाव के नतीजों में आपको दिखी जाएगा। मगर मायावती के सियासी कैनवस के हाशिए पर चले जाने की दिशा काफी हद तक उस बीजेपी ने ही तय कर दी थी जो कि फिलहाल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे मजबूत स्थिति में है। जिसके पीछे क्या कारण है चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात उस दलित वर्ग की करते हैं जिसकी आबादी देश में करीब करीब 16% है और संख्या के हिसाब से दलितों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। और अगर यूपी पर नजर डालें तो यूपी में 20-22% दलित हैं जो कि 50-60 जातियों और उपजातियों में बटे हुए। ऐसे में देश में दलितों की सबसे बड़ी सर्वमान्य नेताओं में से एक मायावती हैं और उनसे जुड़े वोट बैंक को लेकर हर दल सकते में था क्योंकि मायावती का हाल के सालों में मतलब पिछले चुनाव में चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी का विधानसभा चुनाव माया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। सोचने वाली बात है मगर मायावती का वोट बैंक फिर भी मायावती के साथ ही जुड़ा माना जाता रहा है जिसके चलते वक्त रहते ही 2023 से ही बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और दलितों के जो वोट बैंक था उसको साधने की हर कोशिश की गई। जगह जगह सम्मेलन किए गए, आपने देखा होगा अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और फिर से नए कलेवर और नए फ्लेवर में बीजेपी के नारों को राम मंदिर निर्माण की उपलब्धि से जुड़े हुए मंच से जोड़ दिया गया जिससे जातियों पर आधारित सियासत धर्म आधारित राजनीति में तब्दील हो गई। बीजेपी की देखा देखी लगभग हर दल ने दलित या अन्य वर्गों को लुभाने की कोशिश की मगर नतीजा यही रहा कि राम मंदिर का एक मुद्दा यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी को 2 वर्गों में बांट गया जिसमें एक तरफ बीजेपी का खेमा राम मंदिर और सनातन की आस्था से जुड़ी सियासत का आधार बन गया तो दूसरी तरफ बीजेपी पर धर्म आधारित राजनीति के आरोप लगाकर विपक्षी दल दूसरी तरफ चले गए और उनसे जुड़े वोटर्स भी 2 खेमों में बंट गए। ऐसे में दलित और उनसे जुड़ी जातियों से जुड़ा एकमुश्त वोट बैंक भी पूरी तरह किसी एक दल के साथ जाने की स्थिति में रहा नहीं। अब फिर भी एक सच ये भी है कि यूपी के दलित वोट बैंक में करीब 12% ऐसे लोग हैं जो जाटव जाति से जुड़े हुए हैं जबकि 8-10% गैर जाटव वोट बैंक है जिनमें से जो जाटव वोट बैंक हैं उसे मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है जो बहुत ही कम बढ़ता है
ऐसा कहा जाता है, और बहन जी के दल में ही अपनी पूरी आस्था रखता है। फिर चाहे कोई भी दल बहन जी के साथ हो या फिर खिलाफ हो, जिसकी तस्दीक 2019 में हुई भी थी जब अखिलेश के साथ मायावती के चुनावी मैदान में आने से अखिलेश का वोट बैंक तो माया को ट्रांसफर हो गया, मगर माया का वोट बैंक सिर्फ माया के साथ रहा या फिर अन्य दलों के बीच बंट सा गया, जिसके चलते 2019 में मायावती अखिलेश से 21 साबित हुई और अब इसीलिए अलग होकर चुनाव भी लड़ रही। तो खैर, ये तो बात मायावती के दलित कार्ड की हो गई, अब नजर सियासत के ओबीसी कार्ड पर भी डाल लेते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना की मांग लगातार लगभग हर मंच से उठ रही है, और हाल फिलहाल तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए यूपी में इस मुद्दे पर अपनी सियासत गढ़ते नजर आए थे और ओबीसी समुदाय की आवाज उठाकर बीजेपी को घेरते हुए भी नजर आए थे, जिसको वक्त रहते बीजेपी ने साधने की हर मुमकिन कोशिश भी की। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से जुड़े सम्मेलन आयोजित किए, अलग अलग स्तर पर कैंपेनिंग की, साथ ही साथ जातिगत मतगणना कराने वाले देश के पहले राज्य बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दे दिया, जिन्हें ओबीसी समुदाय में वोट बैंक का एक विकल्प माना जाता है, क्योंकि बिहार में तकरीबन 36% आबादी ईबीसी की है जबकि ओबीसी की आबादी करीब करीब 27% है। ऐसे में ईबीसी वर्ग के सर्वमान्य नेता कर्पूरी ठाकुर पर दांव चल बीजेपी ने न सिर्फ बिहार में ओबीसी का एक विकल्प खोज लिया बल्कि ओबीसी के सहारे भविष्य की राजनीति कर रहे नीतीश कुमार को भी बैकफुट पर धकेल दिया। ये खेल हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में ओबीसी की करीब 79 जातियां हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20%, तो वहीं यूपी में लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में से 43% वोट बैंक में गैर यादव बिरादरी, जो कभी भी किसी भी दल की विरासत नहीं रहा। मतलब ये सभी दलों के बीच बढ़ता रहता है और इस पर ही बीजेपी ने दांव खेला है और ऐसे दलों के बीच पैठ बनाई है जिनके नेता ओबीसी ईबीसी दलित से जुड़े वोट बैंक में अपना रसूख रखते हैं। इन्हीं में गिनती राजभर की होती है, संजय निषाद की होती है, जिनको बीजेपी साध कर चल रही है। अब तो ओपी राजभर को यूपी सरकार में मंत्री पद भी मिल गया और पूर्वांचल में राजभर की पूरी सियासत ओबीसी और दलित वर्ग में शामिल जातियों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जो बताता है कि आने वाले दिनों में उनकी जिम्मेदारी ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की और अखिलेश के पीडीए के नारे को धराशायी करने की है। अखिलेश लंबे वक्त से पीडीए का नारा दे रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि यूपी के वैलिड वोट बैंक में करीब 90% हिस्सेदारी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या फिर अगड़ा की है, जो काफी हद तक बीजेपी से खफा है। ऐसे में अखिलेश इस पीडीए पर दांव खेलकर राहुल के साथ मिलकर इंडिया की गठबंधन की सियासत से न्याय करने की खातिर पीडीए के मुद्दों पर जनता के बीच लगातार बीजेपी पर बरस रहे हैं। मगर एक सच ये भी है कि जिस पीडीए को अखिलेश चुनावी मुद्दों से जोड़ रहे हैं, वो अगर सच में अखिलेश के साथ होता तो क्या उन्हें यूपी में जनाधार की तलाश में राहुल से सियासी दोस्ती की जरूरत पड़ती? सवाल वाजिब है, क्योंकि आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। तो बात यह भी है कि यूपी की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है, जो सपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, और बाकी पीडीए का हिस्सा किसी एक दल के साथ कभी नहीं रहा। यहां तक कि जिन मुस्लिम वोटर्स को लेकर ऐसी सर्वमान्य मान्यता है कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाता, वो भी आंकड़ों की कसौटी में कभी कभी बीजेपी के लिए सत्ता के गणित सेट करता नजर आता है। जी हाँ, कुछ अलग संस्थाएं हैं जिनके सर्वे पर आधारित आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में करीब करीब 10% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया था, जबकि सपा के साथ मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा रहा था। 2019 में सपा के साथ मायावती के होने से सपा बसपा गठबंधन को 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था, जबकि बीजेपी के खाते में आने वाला मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा साल 2019 में करीब 11% था। मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में स्थिति बिल्कुल अलग रही थी, जब सिर्फ 2% मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ नजर आए थे। खैर, 2022 के विधानसभा चुनाव में आंकड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं और 2022 में करीब 8% मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ नजर आते हैं, जो ये बताता है कि 2017 से 2022 के बीच 5 सालों में ऐसा कुछ हुआ है, यानी ऐसे कुछ फैसले लिए गए हैं जिन्होंने मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी की धमक को बढ़ाया है, और मोटे तौर पर मुस्लिम वोटर्स में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ के लिए 3 तलाक पर रोक को बीजेपी का एक मील का पत्थर माना जाता है, जो काफी हद तक मुस्लिम महिला मतदाताओं को बीजेपी के खेमे में ले आता है। साथ ही साथ इस बार तो बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए खास रणनीति के तहत शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से हुआ था ऑर्गेनाइज एक कार्यक्रम, काफी हद तक बीजेपी के जनाधार को बढ़ाए या ना बढ़ाए लेकिन कमजोर होने से जरूर रोकेगा। तो वहीं एक बात यह भी है कि ओवैसी जैसे नेताओं के चुनावी मैदान में आने से जो मुस्लिम वोटर्स 2014 और 2019 में बड़े तौर पर सपा के पास गया था, वो बटेगा, और बीजेपी मान के चलती है कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ आए तो भला, ना आए तो भला,
क्योंकि कथित वोट कटुआ की भूमिका में वो वैसी जैसे नेता तो मैदान में है ही। और अब बात आती है सामान्य वर्ग की, जिन्हें सवर्ण के तौर पर गिना जाता है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर जैसे जाति विशेष के लोग आते हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने यूपी में 4 मंत्रियों को शपथ दिला दी, जिनमें से 1 ओपी राजभर हैं, जिनके जन्मदाहक के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं। दूसरे दारा सिंह चौहान हैं, जो साफ तौर पर ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी के लिए पैठ बनाते नजर आएंगे। तीसरे अनिल कुमार हैं, जो जयंत के खास हैं, यानी योगी मंत्रिमंडल में जयंत के प्रतिनिधि हैं और जयंत के साथ मिलकर बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। और लोकसभा चुनाव में जयंत को साथ लेकर पश्चिम यूपी में बीजेपी के जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी की रणनीति कुछ और नहीं बल्कि यही है कि किसी भी तरीके से जाटलैंड के मुख्य कारक किसानों को मनाया जा सके, जिसके लिए किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को सही वक्त पर भारत रत्न भी दिया जा चुका है। मतलब साफ है कि अनिल कुमार को मंत्री इसी मेरिट पर बनाया गया है कि जयंत को सरकार में हिस्सेदारी देकर किसानों के बीच फैले आरएलडी के जनाधार को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके, ताकि पश्चिम यूपी में शामिल तकरीबन 20 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने के लिए सही हवा पानी तैयार किया जा सके। तो अब बात आती है ब्राह्मण वोट बैंक, जिस पर भी बीजेपी के साथ साथ सपा की भी नजर है और बीएसपी की भी है, कांग्रेस की भी नजर है। इसको लेकर तमाम कार्यक्रमों के जरिए जोर आजमाइश करती नजर आई ये सारी पार्टियां। ऐसे में साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की। गौरतलब है सुनील शर्मा भी पश्चिम यूपी के इलाके से ही आते हैं, जिसका क्या गणित है वो हम आपको पहले ही बता भी चुके हैं। तो भाई ये थी वो बात जिसको लेकर सियासी गलियारों में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों की सोच से एक कदम आगे चल रही है। ऐसे हालात पर एक ही कहावत है बीजेपी और विपक्षी दलों की वर्तमान स्थिति पर, जो बिल्कुल सटीक बैठती है, और वो ये कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो फिलहाल अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।